मैं अपने बच्चे को आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को हर्बल मेडिसिन दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा हूँ, क्या मुझे ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए आपके थेरेपी प्लान्स के साथ? यूजुअली ये क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आते हैं। अब इस बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि ये डिफरेंट फिलोसफीज हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, इन सब लोगों ने अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत रिसर्च की है और उसके बाद कई सारी चीजें बनी है। होम्योपैथिक एक अपने आप में एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदा भी ऐसे ही एक सिस्टम है, यूनानी भी अपने आप में एक सिस्टम है, हर्बल भी अपने आप में एक सिस्टम है। तो ये सारी की सारी फिलॉसफीज किसी रिसर्च के बाद ही बनी है। और हमारे आयुर्वेद तो आप देख ही रहे हैं, पता नहीं कितने साल पुराने हैं, एलोपैथी तो अभी फील्ड में आनी शुरू हुई है। और उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार लोग कुछ फिलोसफीज को रबिश बता देते हैं, जो मैं नहीं करता हूं। मैं हमेशा हर प्रोफेशन का एक रेस्पेक्ट करता हूं और सबको मानता हूं कि सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और सब लोगों के जो फील्ड्स हैं उसमें सब डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपीज हैं, मेडिसिंस हैं, या फिर वो कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। जैसे आयुर्वेदा में कई सारी चीजें हैं जो आपके बच्चे के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकती हैं, हर्बल में कई सारी चीजें हैं, होम्योपैथी में भी कई सारी चीजें हैं। उन्होंने भी थॉरो रिसर्च के बाद, अब जैसे ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट, डायबिटीज का ट्रीटमेंट या दूसरी चीज आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, ऑटिज्म का ट्रीटमेंट, ये होम्योपैथी भी अपने एंगल से करती है, एलोपैथी भी अपने एंगल से करती है, उसके साथ साथ आयुर्वेदा भी अपने एंगल से करते हैं। तो कई लोग इस बारे में कमेंट करना चाहते हैं और कई प्रोफेशनल भी मैंने देखा है कि आपके सामने बैठ करके कई सारे वेक कमेंट करेंगे कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये नहीं करना, ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या आपको चोर है, ये फ्रॉड है, इस तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे। जो इस तरह की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद से ही किसी प्रोफेशन का सम्मान करना नहीं जानते। जो भी मेच्योर प्रोफेशनल होगा, अब मुझे 27 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, सो जो भी मेच्योर प्रोफेशनल होगा वो दूसरे प्रोफेशन का सबसे पहले सम्मान करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिलता है। साथ में अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके अभी अपना कमेंट करेंगे और आपका कमेंट एक्सक्लूसिव होगा कि उसके ऊपर कोई वीडियो बनाया जा सकेगा, तो आपको मिलेगा फ्री में कंसल्ट करने का मौका। तो जल्दी कर लीजिए, क्या पता आपका कमेंट सिलेक्ट हो जाए। बात कर रहे हैं मेडिसिन्स के ऊपर, सो सब प्रोफेशंस अपने आप में कंप्लीट है और वो सब डिसऑर्डर्स का इलाज अपने तरीके से करते हैं। इसलिए किसी भी प्रोफेशनल का इस बारे में कमेंट करो। कई बार कई ऐसे प्रोफेशनल है जो यहाँ पर बैठ करके, जहां बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उन लोगों को बड़ा रिस्पॉन्सिबली कमेंट करना चाहिए, वो बड़ा इररिस्पॉन्सिबली कमेंट करके दूसरे लोगों को, क्योंकि देखिए कई सारे लोग तो बहुत भोले वाले हैं, उनको कुछ नहीं पता। अगर वो किसी के बारे में सुने, किसी ने बोला कि मेंटोर सुनील, डॉक्टर सुनील फ्रॉड है, तो वो एक सेकंड से पहले बिलीव कर लेंगे। या कोई बोलेंगे कि कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है बस्ती ट्रीटमेंट में, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है होम्योपैथी में, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है एलोपैथी में, तो अगर कोई किसी के बारे में भी कुछ भी बोलेगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर के, तो दूसरे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपना इंसाइट यूज करते हैं। कहते हैं ना, दिखावों पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो वो लोग अपनी अकल लगाते हैं, अपना एक इंसाइट यूज करते हैं, किसी के कहने पर बिलीव नहीं कर लेते। बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी से बिलीव कर लेते हैं और वो दूसरे प्रोफेशनल जो इररेस्पॉन्सिबली एक्ट करके अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं उस दौरान इस वेव में, तो वो जो ऑलरेडी सही रास्ता पकड़े हुए हैं वो रास्ता छोड़ करके किसी रॉन्ग रास्ते की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। इसलिए आप अपने इंसाइट जरूर यूज करें। मेडिसिन लेनी है, नहीं लेनी है, किससे लेनी है, कब लेनी है, क्या लेनी है, ये आपके और आपके फिजिशियन के बीच की बात है। उन्होंने कुछ थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको मेडिसिन दी है और समटाइम्स वो मेडिसिन आपके बच्चे के लिए सही काम भी करती है। तो अगर सही काम कर रही है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको मेडिसिन में जाना है कि नहीं जाना है। यूजली क्या होता है, जितने भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जितने भी सारी चीजें आती हैं, उन सारे डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपका बच्चा कितना स्टेबल है, कितना अनस्टेबल है। अगर आपका बच्चा स्टेबल है, यानी उसे कोई सीजर डिसऑर्डर नहीं हुआ, उसे कोई ऐसा हाइपर एक्टिविटी उस लेवल की नहीं है कि उसे बांध के रखना पड़ता है, तो फिर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। यूजली बिहेवियर थेरेपी से ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन अगर बच्चा ऐसा है कि उसे बांध के रखना पड़ रहा है, वो टिकता नहीं है, इतनी बुरी तरह से आप उसको जो है ना रस्सी से बांधते हैं, बेड से बांधते हैं, बांध के रखना पड़ता है,
तो फिर आपको मेडिसिन जरूर कंसिडर करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर उसको रेगुलर सीजर आ रहे हो, दूसरा डॉक्टर बोले मेडिसिन मत लो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको सीजर कंट्रोल करने के लिए तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये अपना इंसाइट यूज करना है, अपने और अपने प्रोफेशनल के बीच में एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस आपके होना चाहिए कि तीसरा बंदा आकर के कुछ भी बोले उन चीजों का असर नहीं होना चाहिए आप पर। इसलिए आप प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस बना करके आगे बढ़िए ताकि आप अपने बच्चे को 100% ठीक कर सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिए। बाय।